Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Natasha Shah and welcome. So आज आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधे वीडियो पे स्विच करते हैं. मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड मैं ये अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे वैसलीन. आप लोग एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे. आई हैव एक्नेस ऑन माई फेस. डोंट वरी, आपको ये जो ब्लैक 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 से रेड रेड से निशान दिख रहे हैं ना, वो TCA के मार्क्स हैं जो कि मेडिकेशंस यूज करती रहूंगी तो वो चले जाएंगे यार. सो मैं सबसे पहले अपने फेस को ग्रीसी कर रही हूँ ताकि जब मैं ट्वीजर से अपने फेस को शेव करूँ तो कुछ भी रूखा रूखा ना एंड मुझे कट्स के जो पॉसिबिलिटीज है वो कम हो जाए. सो आप लोग देख सकते हो मैं सिर्फ यहाँ अप्लाई कर रही हूँ आंखों के नीचे, बिकॉज लैशेज भी है ना, लैशेज भी तो बचाने. माथे पे अप्लाई कर रही हूँ एंड यहाँ नीचे हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये कुछ चीज़ जो मुझे हो रही है आंखों के नीचे, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट इसकी वजह से आजकल मेरा ट्रीटमेंट भी रुका हुआ है. डॉक्टर्स आर नॉट डूइंग माय लेज़र बिकॉज ऑफ दिस. सो सबसे पहले इस ट्वीज़र को आप इस तरीके से पकड़ेंगे एंड आई कैन सी मुझे यहाँ पर हल्की हल्की मूछें आ गई हैं तो मैं वो हटाऊँगी. हैव टू स्लाइड डाउनवर्ड्स एंड आप इसको ऐसे नहीं रखोगे, कट जाएगा. इस तरीके से फेस पे रखोगे. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी लोग ना डरते हैं कि हम अपने फेस को शेव करेंगे तो ज़्यादा हेयर आ जाएंगे. डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होता है एंड मुझसे ज़्यादा हेयर ग्रोथ तो ऑब्वियसली किसी की नहीं हो सकती, लेकिन आई एम यूजिंग दिस एंड ये ना थ्रेडिंग से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपके पूरे डेड सेल्स भी होते हैं ना आपके स्किन के, वो भी हटाता है. ओके, सो मेरा जो ये वाला पोर्शन है स्माइल वाला वो अभी कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चीक से एंड कॉज आई हैव एक्ने इश्यूज लाइक ये वाला और ये तीन एक्टिव एक्ने हैं. बाकी जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं वो एक्ने नहीं है, वो TCA के मार्क्स हैं. जैसे चोट हो जाती है तो थोड़ा काले काले निशान पड़ जाते हैं ना, वो कुछ टाइम बाद चले जाते हैं. सो वो मार्क्स हैं. सो आई हैव 3 एक्टिव एक्ने, इनको बचा के मुझे करना पड़ेगा अदरवाइज. एंड यू कैन सी ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन है ना, दे आर हेयर. मैंने अपना ये वाला चीक ऑलमोस्ट कर लिया, थोड़े थोड़े से रह गए हैं पार्ट में. बाल इधर एक्ने वाली साइड पे तो उनको मैं थोड़ा सा बहुत केयरफुली एंड मैं अपने एक्ने के ऊपर नहीं ये ब्लेड चलाने वाली हूँ. सो या ओके, तो मैंने शी शर्ट कर दी यहाँ पे एंड आई हैव टू स्ट्रेच लाइक दिस. ओके, एक्स्ट्रा वाले डालती हूँ, अपने ब्रोज को बिल्कुल नहीं छेड़ती, मुझे ऐसे बड़ी बड़ी ब्रोज अच्छी लगती है. तो यूज़ करने के बाद आप इन ट्वीजर्स को स्टेरिलाइज ज़रूर कर लीजिए, अदरवाइज आप दोबारा जब इसको अपने स्किन पर लगाओगे तो ये आपको हामी पहुँचा सकता है. प्ली जस्ट बिकॉज और टाइम पे तो मैं फेस वॉश कर लेती हूँ बट या आई एम हैविंग माई न्यू लैशेज. तो हम थोड़ा पानी से परहेज करेंगे एंड हम लोग वाइप्स यूज़ करेंगे लैशेज बचाने हैं ना. बट या वही चीज़ है, आपको केयरफुली करना पड़ेगा अदरवाइज आप अपना फेस कट कर सकते हैं. देखो हर चीज़ अच्छी है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो हो सकते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिकॉशंस अच्छे लेने पड़ेंगे, आपको थोड़ा केयर रखना पड़ेगा. एंड या मैंने अपने फेस से वैसलीन अच्छे से निकाल लिया है. सो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो. अगर आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मेरे बताने से पहले आ जाए. एंड अगर आप लोगों को ये ट्वीजर्स परचेस करने हैं तो आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी परचेस कर सकते हैं. आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगी एंड ट्वीजर्स के लिंक के साथ साथ जो लोग मेरे साथ फेसबुक पेज पर नहीं जुड़े हैं, मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अपने फेसबुक पेज में कुछ अनसीन वीडियोज डालती रहती हूँ. सो आप लोग जरूर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करो
ओके, एंड मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. सो आई हैव पुटेड ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर यू गाइज टू चेक आउट. सो डू चेक आउट. बाय गाइज.